उसकी इतनी सी दुकान होती थी, ये सिर्फ ये जो गाड़ी। एक बार बताए क्या किया, आप ही तो थे ना। मैं भी था। अनार था ये सब काम करके, बट अब नहीं। तो कैसा लग रहा है मेरा, क्या मैं रणबीर कपूर राजनीति? तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोग एक मस्त चीज दिखाता हूँ, ये देखिए मेरा चश्मा टूट गया। ये कल रात को ही टूटा था। क्या हुआ था वैसे, मैं चश्मे को हमेशा अपने बेड साइड में रखता हूँ, लेकिन कल रात को डूडल के साथ जब खेल रहा था, खेलते खेलते मैंने कि चश्मा उतार के बेड पे ऐसे ही रख दिया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, डूडल के साथ खेला, खेलने के बाद मैं जब बेड पे जाके सोने, मतलब ऐसे पीछे जाके सोते हैं, तो जब सोने लगा था तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने चश्मे बेड पे ही रखा था। तो जैसे मैं सो गया उसके ऊपर डायरेक्टली, तो एकदम से आवाज़ आई डबल टप टप करके। तो पहले क्या ग्लास निकल गया, उसके बाद मेरा फ्रेम जो है ये ऐसा टूट गया। तो ये हो गया था। और अब सुबह से मैं बैठ के ब्लैक ब्लैक खेल रहा हूँ। लगता है मॉल में बर्फ पड़ने वाली है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और अब मैं सुबह से कुछ भी करना चाह रहा हूँ तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ साफ ब्लर ब्लर सा दिख रहा है, कुछ साफ नहीं दिख रहा है। तो उसके चलते अब मैं 10 o'clock निशा जब ऑफिस जाएगी उस टाइम पे मैं भी निशा के साथ निकलूंगा, फिर जाऊंगा और अपना चश्मा रिपेयर करवाऊंगा। रिपेयर नहीं, इनफैक्ट मैं नया ही चश्मा ले रहा हूँ। वैसे चश्मा तो टूट गया, नो प्रॉब्लम, बट मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव है। मैं अभी लेंस पहन लूंगा, तो एटलीस्ट ये है कि मैं जहाँ तक मेरे को कहीं भी घूमना है या कुछ भी करना है तो एटलीस्ट लेंस तो रहेगा, मैं पहन के कहीं भी कुछ भी अच्छे से देख सकता हूँ। अभी लेंस पहनने के बाद अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट अभी अच्छे से दिख रहा है, ब्लर सा नहीं दिख रहा है। तो वैसे मेरे बाल भी जो है मैं इस तरफ करता था, अभी वापस इस तरफ कर दूँ। पहले मैं जब करता था मैं इस तरफ ही सीन बनाता था, लेकिन अभी रिसेंटली 2-3 दिन से मैं इधर बना रहा था, लेकिन अभी वापस इस तरफ कर दी। निशा को और मेरे को नाश्ते में इडली खाने का मन कर रहा था, तो अभी मैं वही इडली बैटर तो घर में था नहीं, तो मैं अभी जा रहा हूँ नीचे इडली बैटर लेने के लिए सुपर मार्केट से। बैटर लेकर आके जल्दी से इडली खा लेते थे। और ये फाइनली चीज़ें ले ली है। बेबी बैटर लेकर आ गया। और मैं और निशा अभी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल के, मतलब मैं निशा को ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा, और मेरे को चश्मा खरीदना है नया वाला, तो उसके लिए जा रहा हूँ। और निशा को देखो कैसे चल रही है, तशन में तशन में तशन में तशन में तशन में तशन में तशन में। वो बीच में उंगलियां ऐसे ओपन क्यों है? गाइस एक मस्त बात बताता हूँ आप लोग को, बेचारी निशा सुबह सुबह 7:30 बजे उठ गई, बहुत जल्दी उठ गई थी आज, और मेहनत करके बहुत जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, खाना बनाया और सब पैक किया, बहुत कुछ काम किया। जस्ट बिकॉज मेरे पास चश्मा नहीं था, मेरे को दिख नहीं रहा करके बेचारी उसने सब कुछ काम कर दिया। प्राउड ऑफ यू माई सन, माई सन प्राउड ऑफ यू। पर इसी बात पे निशा ने जो इतना मेहनत किया है, तो इसके लिए तो एक तोहफा तो बनता है, और तोहफे में आपको मिलता है कि मैं आपको ऑफिस छोड़ूंगा टाइम पे, क्योंकि काफी लेट हो गया, अभी टाइम हो गया 9:45, 15 मिनट में मैं उसको पहुंचा दूंगा, यही चैलेंज है, देख लेना। तो गाइस देख सकते हो 9:59, वो मैं 1 मिनट पहले आपको पहुंचा दिया, देखा? आई एम योर ऑन टाइम। हिमांशु को चैलेंज करते हैं, बाय, आई लव यू, टेक केयर। देखो गाइस, तो निशा को मैंने आज चैलेंज हरा ही दिया, उसने मेरे को चैलेंज किया था कि 10 बजे तक मैं उसको पहुंचाऊंगा गिर, लेकिन 1 मिनट पहले ही पहुंचा दिया मेरे से। फाइनली अब अपन दोस्त के दुकान पर आ गए चश्मा बनवाने के लिए। यहाँ पर मैं अभी जस्ट यहाँ पर अपने दोस्त के दुकान में आया, तो चश्मा सेलेक्ट कर रहा था, इतने में मुझे ये 3 फ्रेम समझ में आए, ये एक फ्रेमलेस वाला और ये एक फुल फ्रेम में, इसमें दूसरा कलर, तो ये 3 समझ में आए। लेकिन निशा से एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, इसके लिए मैं उसको फोटो भेज दिया, वो कंफर्म करेगी तीनों में से कौन सा अच्छा लगा तो वो खरीदूंगा। पुराने चश्मे का ये जो ग्लास है ये काम आएगा बोल रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला एक फ्रेम ले लिया, सेम ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसका ग्लास इसमें डाल दूंगा, और ये अलग से फ्रेम है ये भी खरीद ले रहा हूँ, इसमें नया ग्लास डलवा दूंगा और ये एक्स्ट्रा पीस रहेगा। चलिए मैंने 2 फ्रेम ले लिए, बस 2 बजे तक मेरे को 3 घंटे में दे देंगे बोल रहे हैं। अगर किसी को खरीदना हो तो अपने भाई का दुकान यही है स्वस्तिक ऑप्टिकल्स, यहाँ से मैं हमेशा लेता हूँ, जो एलू रोड विजयवाड़ा में। वैसे तो एक अंधे को ही समझ में आएगा कि एक चश्मे का वैल्यू क्या है, इंकी पिंकी पंकी, क्योंकि मेरे को साइट है तो मुझे मालूम है उसका वैल्यू क्या है। चश्मा नहीं होता है तो बाप रे कुछ दिखता नहीं है, तो बहुत अजीब सा लगता है, बाहर कुछ भी देखो तो बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन लकीली मेरे पास लेंस है तो अभी लेंस से एडजस्ट कर ही ले रहा हूँ। एडजस्ट क्या है, लेंस पहन के तो सब नॉर्मल ही दिख रहा है अभी, वैसा कुछ नहीं है। अभी मैं अपने भैया के घर जा रहा हूँ क्योंकि एडिटिंग करना है मुझे, मैं सुबह से एडिटिंग नहीं किया हूँ, मैं आज वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ अपना, तो अभी उनके घर में जाके बैठ के एडिटिंग कर लेता हूँ। इतने ही देर में 2 घंटे में मेरा चश्मा भी बन जाएगा, मेरा एडिटिंग भी हो जाएगा,
फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ये अपने भैया हैं, अपने खास जिगरी दोस्त। हेलो तो बोलो। जब भी कुछ भी होता है मैं इनके घर में टपक जाता हूँ बिना बुलाए। बिना क्या? बिन बोले मेहमान बोल सकते हो मेरे को, है कि नहीं? बिन बोला मेहमान। हाँ तो अब टाइम हो गया 2:30 और मेरा एडिटिंग का भी जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। बस अब रेंडरिंग हो रहा है, मुझे यूट्यूब में अपलोड करना है। फिर अपलोड करने के बाद मैं यहाँ से निकलूंगा। 2 बजे मुझे टाइम दिया गया था कि मेरा चश्मा बन जाएगा, लेकिन अब 2:30 हो गया। आई थिंक मेरा 3:15 को मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो वहाँ पर जाके फिर मैं अपना चश्मा ले लूँगा और लेंस उतार दूँगा। तो मैं निकल गया चश्मा लेने के लिए, क्योंकि मेरे को 2 बजे टाइम दिया गया था और अब टाइम हो गया है 3:30 बजे। जाकर पहले चश्मा ले लेता हूँ और फिर मैं निकल तो दूसरे काम करने, मुझे वो काफ़ी काम है वो ले करने निकल। अपन आ गया अपने भाई के दुकान में और ये अपने दोनों चश्मे बन गए, रेडी हो गए। देखो गाइस, कभी भी अगर आप लोग को खरीदना है चश्मा तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अच्छा कलेक्शन है, प्राइस भी अच्छे हैं। और ये अपने अंकल हैं, मस्त प्राइस में दे देंगे। क्या अंकल दादा? तो अच्छा डील देंगे। तो यहाँ पर एलू रोड सोनोविजन के पास में एक दुकान है, स्वास्तिक ऑप्टिकल्स, यहाँ पर आ जाना। इस गर्मी के मौसम में अपन को कुछ ठंडा ठंडा चाहिए जो अपन को रिवाइटलाइज करे और अपन को एनर्जी दे, और उसके लिए अपन को द बेस्ट लेमन जूस। और अभी मैं आ गया पेट स्टोर में, यहाँ पर कुछ नूडल कीवी के लिए कुछ सामान लेना, तो लेने के लिए आया। क्या ले रहे हो? कौन सा पसंद है? ये वाला नहीं, ये भी नहीं है, ये एक जरहाई है। जरहाई लोगे? चिकन एंड लिवर फ्लेवर है गाइस। इसमें देखो क्या लिखा है, मूची। और अपनी मैडम जी प्रोनाउंस कर रहे थे मूचा। हमने डूडल कीवी के लिए लिया डंटा पेस्ट, ये इनको ब्रश कराने के लिए, और इनके लिए कुछ ग्रेवी है, इमरजेंसी के लिए काम आ जाएगा। डूडल का छोटा साइज, वो बड़ा खाता नहीं। ये डूडल को दे देना, छोटा भाई, छोटा बोन, इतना छोटा छोटा क्यूट बोन है। कीवी तो नहीं, चोक हो जाएगा। नहीं, कीवी को ये दे सकते हो। नहीं ये है ना, ये ज्यादा मोटा है, ये थोड़ा पतला है। नहीं, कीवी मोटा कैसे दे सकते? तो कीवी के लिए, डूडल के लिए छोटा वाला, कीवी के लिए थोड़ा बड़ा वाला। तो डूडल और कीवी का बहुत पार्टी होने वाला है, क्योंकि उनके लिए देखो 1 kg मस्त वाला बिस्किट ले लिया, ऊपर से इतनी सारी चीज है, बोन भी है, पेस्ट भी है, मजा आ जाएगा। उसमें निकलते समय याद आया कि हमें ये मेन चीज़ इसके लिए आए थे, गोल्ड कोट के लिए, और यही चीज़ भूल गए थे। अच्छा, वो फिर भी याद आ गया, खरीद लिया हम लोगों ने। एक टाइम पे मैं और निशा यहाँ पर रगड़ा वाला करके दुकान है, पानी पूरी खाने आते थे। उसकी इतनी सी दुकान होती थी, ये सिर्फ ये जो गाड़ी दिख रही ना इतने में, इधर से इसने दुकान लगा लिया। लेकिन जब से इसने दुकान लगाया ना, निशा बोलते खातो। क्या बोलते? बहुत गंदा बनाते, पहले इतना टेस्टी बनाता था तो मजा आता था खाने में। मैं पहले सोचती थी रगड़ा वाला जाऊंगी, रगड़ा वाला। इवन मैं ऑफिस से भी ऑर्डर करती थी, ऑर्डर मतलब किसी से मंगाती थी। अभी तो एक बार मंगाया स्विगी से, इतना गंदा था टेस्ट। एक बार बताए क्या किया, आप ही तो थे ना? मैं भी था। अनार डाला, दाबेली हमने मंगाया, उस पे अनार डाला उसने, अनार के साथ में छिलका भी डाल दिया। तो जब हम लोगों ने बोला उसको कि भाई ये छिलका क्यों दिया है, सॉरी या कुछ भी नहीं बोला, जस्ट बोला ओके ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टाइम से देखते हैं। ऐसा कैजुअल रिएक्शन था उसका कि उसके बाद हम लोग ने डिसाइड किया हम रगड़ा वाला कभी नहीं जाएंगे। क्योंकि वो जो पहले इंसान था, इतना डाउन टू अर्थ होता था कि उसको देख के अच्छा लगता था कि वाओ, कोई इतना शांत इंसान भी हो सकता है ये सब काम करके, बट अब नहीं, आई विल नॉट रेकमेंड। और वैसे देखा जाए तो मेरा ये नया वाला ग्लास है, आप लोग बताओ कैसा लग रहा है मेरा? क्या मैं रणबीर कपूर राजनीति से लग रहा हूँ क्या? क्या बोला तूने? मको से मेरा सनस्क्रीन आया है, तो इसको अनबॉक्स कर देता हूँ। और ये देखिए, मस्त से निकल जाएगा अभी अपना धर्माको का सनस्क्रीन है ये, तो सनस्क्रीन एक्वा जेल। मेरे को ये बहुत पसंद है, मेरे को ऑफर में मिला था बाय वन गेट वन फ्री, SPF 50 के साथ है ये। तो जनरली मैं डे टू डे लाइफ के लिए अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं यही सनस्क्रीन यूज़ करता हूँ। वैसे मैं तो पहले ममाअर्थ का भी यूज़ करता था, लेकिन जब से ये यूज़ किया तो ये भी अच्छा लग रहा है। दोनों मेरे को ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, बट ये अभी ऑफर में मिला था मुझे बाय वन गेट वन फ्री में, तो मैंने फिलहाल के लिए ये वाला मंगा लिया डर्माको का। मैंने और निशा ने तो डिनर कर लिया है, लेकिन हम लोग कुछ देर से हम लोग प्राइम अमेजोन प्राइम पर हम लोग पोस्टर देख रहे थे। ये जैसे आप देख रहे थे, ये देखिए पोस्टर देख रहे, जो एलिफेंट बेस्ड है। पोस्टर में तो ऑलरेडी आप लोग को दिख ही गया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है ये। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छा लग रहा है। एज ऑफ नो मैंने देखा है, अब मैं 4th एपिसोड के आसपास में हूँ, तो मुझे भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये पोचर में एक मेन लीड कैरेक्टर है जो लड़की है, वो लड़की के पास
पांच डॉग्स है, चार या पांच डॉग्स है कुछ ऑलरेडी, तो वो फिर भी क्या करती है शेल्टर पे कॉल करके बोलती है मुझे और दो डॉग्स चाहिए। और सबसे खास बात ये है कि वो डॉग्स कौन से, कोई ब्रीड वाले नहीं है, इंडी डॉग्स है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसको बोलते असली डॉग लवर, एनिमल लवर इसको कहते हैं। अब मैं और निशा जाके रूम में बैठ के देखेंगे, हॉल में जो है टीवी बंद करके अभी रूम में जाके चला कर देखेंगे, क्योंकि वैसे भी रात भी हो गया है और टीवी देखते देखते हम लोग सो जाएंगे करके हमारा प्लान है। वैसे एनीवेज आज का दिन स्वीट एंड सिंपल एंड नाइस था। एनीवेज थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, नए दिन नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं। थोड़े से पहले ब्रश करना बहुत ज़रूरी है।